नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। टोक्यो ओलंपिक हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से हारा भारत, अभी भी ब्रॉन्ज का मौका। पीएम मोदी ने भी देखा मैच। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से हार का सामना करना पड़ा है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में पराजित होने वाली टीम से होगा। ऐसे में भारतीय टीम के पास पोडियम फिनिश करने का अभी भी मौका है। भारतीय टीम 49 वर्ष बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए, जबकि बेल्जियम के लिए अलेक्सांडर हेंड्रिक्स ने 3, जबकि लोइक फैनी लेपर्ड और जॉन डोहेमेन ने 1-1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला देखा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी, वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbserizult.nic.in या cbse.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध है। 10वीं कक्षा में इस वर्ष 99.04% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी टॉपर्स का ऐलान नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति जारी की गई थी। इसमें से 2,19,062 स्टूडेंट ने 90-95% के बीच मार्क्स हासिल किए हैं। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, 13 विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल, आप और बसपा ने बनाई दूरी। पेगासस जासूसी प्रकरण, नए कृषि कानूनों और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए विपक्ष लंबी लड़ाई पर मंथन कर रहा है। सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए विपक्षी दलों के नेता सदन के बाहर समानांतर संसद चलाने की रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई चाय नाश्ते की बैठक में 13 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक से आम आदमी पार्टी और बसपा ने दूरी बनाए रखी और इन दोनों दलों का कोई नेता इस बैठक में नहीं पहुंचा। बैठक में राकंपा, शिवसेना, राजद, सपा, माकपा, भाकपा, आयूसीएमएल, आरएसपी, केरल कांग्रेस एम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस टीएमसी और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शामिल रहे। विपक्ष की कोशिश है कि हर वह दांव आजमाया जाए जिससे सरकार दबाव में आए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 13 राज्यों में खुले स्कूल, बच्चे हो रहे संक्रमित। विशेषज्ञों के अनुसार इस महीने देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर शुरू हो सकता है और यह अक्टूबर माह में अपने पीक पर जा सकता है। हालांकि इस बीच 13 राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने के बाद से 613 बच्चे संक्रमित हुए हैं। हरियाणा में भी 6 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 1.5 साल से स्कूल बंद हैं और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है या जिन बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है, उन बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। इस वजह से सरकारें स्कूल को धीरे धीरे खोलने का फैसला ले रही हैं। पठानकोट के पास झील में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और को पायलट सुरक्षित। पठानकोट के पास आर्मी का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर रणजीत सागर झील में क्रैश हो गया है। हालांकि पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि 254 आर्मी के एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव हेलीकॉप्टर ने मामून कैच से सुबह 10:20 पर उड़ान भरी थी। रणजीत सागर झील के ऊपर हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान पर था कि तभी वह क्रैश हो गया। पिछले 6 महीने में दूसरी बार स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ध्रुव को देश में ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। हादसे के समय रणजीत सागर डैम के पास सैनिक हेलीकॉप्टर से गश्त कर रहे थे। रणजीत सागर डैम का 60% हिस्सा जम्मू कश्मीर में आता है। पूर्व अमेरिकी राजदूत बोले, 2030 तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा भारत। अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक रिचर्ड वर्मा का मानना है कि वर्ष 2030 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। रिचर्ड वर्मा ने यह भी कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला देश,
सबसे अधिक कॉलेज स्नातक, सबसे बड़ा मध्य वर्ग, सबसे अधिक सेल फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि आज भारत विकास के मामले में शीर्ष पर है। अगले दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब $2 ट्रिलियन खर्च होने वाले हैं। मौसम विभाग का अनुमान, अगस्त सितंबर में होगी भारी बारिश, सामान्य से अधिक बरसेंगे बादल। भारत मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के उत्तराधर्व में अगस्त सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने और इस महीने भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश और उनसे लगे राजस्थान के हिस्से, महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के कुछ हिस्से और हिमाचल प्रदेश में अगस्त में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा क्षेत्र, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में इस महीने सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। अगस्त से सितंबर के दौरान देश में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग हर साल दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अगस्त सितंबर के महीनों के लिए पूर्व अनुमान जारी करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।